गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर टू रिलेशंस एंड फंक्शन. रिलेशंस एंड फंक्शन. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं किस पे, रिलेशन पे. व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन क्या है? हम देखो, समाज में रहते हैं, हमें पता है रिलेशंस के बारे में. रिलेशन क्या है? फैमिली के अंदर देखिए, हमारे मदर है, हमारा फादर है, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, सिस्टर है. तो ये हमारे फैमिली में हमारे अलग अलग क्या है, चाचा जी चाचा है, अंकल है, आंट है. तो ये हमारे सभी क्या है, रिलेशन है. तो रिलेशन के बारे में हम सभी को पता है, कॉमन सेंस में रिलेशंस के बारे में हम सभी को पता है. तो रिलेशन क्या है, मानो आप ये लिख दिया राम इज ब्रदर ऑफ श्याम. तो मैंने ये लिख दिया राम इज ब्रदर ऑफ श्याम. तो इनमें क्या रिलेशन है? तो इनमें रिलेशन किस चीज का है? ब्रदर का है. किसका रिलेशन है? भी राम है वो श्याम का क्या है? ब्रदर है. क्या है? ब्रदर है. क्लियर? इस तरह से हम रिलेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. इसी तरह मैथ्स के अंदर भी क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं. रिलेशन मैथ्स में कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे ये रिलेशन होते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, इस तरह के हमारे जो रिलेशन होते हैं. इसी तरह मैथ्स में होते हैं परपेंडिकुलर, पैरेलल, ग्रेटर, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सभी क्या है, हमारे मैथ्स के अंदर ये क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं. जैसे देखिए, मैंने ये लिख दिया ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी, आर का मीनिंग यहाँ रिलेशन है, ए और बी में रिलेशन है. यहाँ जैसे राम और श्याम में रिलेशन था ना, तो यहाँ पे तो रिलेशन हमें पता है किसका है, ब्रदर का है. तो यहाँ मैंने लिख दिया ए ग्रेटर देन बी. तो यहाँ पर रिलेशन इन दोनों में किस चीज का रिलेशन है? ग्रेटर का क्या है? रिलेशन है. ए जो है वो बी से क्या है? ग्रेटर है. That is relation. ये मैथ्स में आ जाएगा, ये हम कॉमन सेंस के अंदर, जो डेली हमारे समाज के अंदर हमारे जो रिलेशन स्टेप्स में आ जाएगा. इस तरह से हम क्या है, रिलेशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर? वैसे क्या होता है रिलेशन? रिलेशन क्या होता है? ए एंड बी, ए एंड बी, ये टू सेट है. क्या है? टू सेट. और ये दोनों क्या है? नॉन एम्प्टी है. क्या है? नॉन एम्प्टी की मीनिंग इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा. क्लियर? तो इसकी हम क्या फाइंड करेंगे? क्रॉस फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे? क्रॉस. तो क्रॉस क्या होगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी. क्या होगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी टू सेट्स की, ए क्रॉस बी आ जाएगा. इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक 4 है यहाँ पे, ए क्रॉस बी. तो देखिए, ए क्रॉस बी में से आपके जितने भी सबसेट होंगे, जितने भी सबसेट होंगे, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, उन सभी में क्या होगा? रिलेशन होगा. कब? जो सबसेट होएगा आर, उस सबसेट का नाम दे दिया आर. आर कोई सबसेट है, वो किसमें कंटेन करेगा? ए क्रॉस बी में कंटेन करेगा. तब उनमें क्या होएगा? रिलेशन होएगा. अगर आर इसका कोई भी सबसेट, कोई भी ऐसा आर के अंदर कोई भी ऐसा मेंबर है जो इस सेट में नहीं है, तो उनमें क्या है? रिलेशन नहीं होएगा. क्लियर? तो अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे फिलहाल. तो रिलेशन में क्या होएगा, यही आप मान लीजिए कॉमन सेंस के अंदर, लाइफ हमारी डेली रूटीन के अंदर ये रिलेशन होते हैं. और ये मैथमेटिकली ये ए ग्रेटर देन बी का रिलेशन हो गया. जैसे मैंने रिलेशन लिख दिया ए इज इक्वल टू बी है, ए पैरेलल बी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 है. ये सारे रिलेशन है, ए और बी में रिलेशन है. ए और बी में रिलेशन क्या है? दोनों में ए और बी दोनों का सम है वो कितना है? 5 है. क्लियर? उसके बाद है ऑर्डर्ड पेयर. व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? हमारे पास टू एलिमेंट्स होते हैं. क्लियर? तो और उन टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स लगा लो, टू ऑब्जेक्ट लगा लो, उनको हम टेकन, टेकन टू एलिमेंट्स इन स्पेसिफाई ऑर्डर, यानी कि हम टू एलिमेंट्स को किनी स्पेसिफाई ऑर्डर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं. तो वो क्या बन जाता है? हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है. क्या बन जाता है? ऑर्डर्ड पेयर. तो क्या होता है? पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या होता है? पेयर ऑफ, वो हो सकता है ऑब्जेक्ट्स का, हो सकता है एलिमेंट्स, हो सकता है पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स टेकन इन स्पेसिफाई ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर पेयर. तो कैसे लिखा जाएगा? जैसे मैंने ये ए एंड बी है ऐसे लिखे हुए, मैंने इसको ऐसे लिख दिया ए बी, ये स्पेसिफाई ऑर्डर बन गया. ए और बी यहाँ पर क्या है? ऑर्डर पेयर है. जैसे ये लिख दिया 3 और 5, ये भी ऑर्डर पेयर है. 7 और 9, ये भी ऑर्डर पेयर है. क्लियर? उसके बाद इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर. टू ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे? जैसे मान ले टू मैंने ऑर्डर पेयर लिख लिया ए एंड बी, सी एंड. क्लियर? ये इक्वल कब होंगे? जब इक्वल तभी होंगे जब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी के, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी के. अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे. अगर ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू डी. तो मैंने इफ और इफ का साइन लगा दिया. अगर ये इक्वल है तो ये होएगा, अगर ये है तो
ये हो गया। अगर ये इक्वल दिए हुए हैं तो ऑर्डर पेयर इक्वल है, अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है तो ये एलिमेंट्स भी क्या है, इक्वल है। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए आप कार्टिजन प्रोडक्ट्स, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होती है? कार्टिजन प्रोडक्ट क्या है? मान लीजिए टू सेट ए और बी, हम की कार्टिजन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें ऐसे एलिमेंट होंगे ए और बी के रूप में ऑर्डर पेयर होंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है वो ए का होएगा और सेकंड एलिमेंट क्या होएगा? बी का होएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड कार्टिजन प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? ए एंड बी, ए एंड बी दोनों कौन से सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है। कौन से सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है। देन कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए, कार्टिजन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, और डिनोटेड बाय ए ए क्रॉस बी से उसको क्या करेंगे? डिनोट। और उसमें किस तरह के ऑर्डर पेयर होंगे? इस तरह के ऑर्डर पेयर होंगे जब इनके फर्स्ट एलिमेंट क्या होएगा? ए सेट का होएगा, और सेकंड एलिमेंट है वो कौन से सेट का होएगा? बी सेट का होएगा। तो सभी जो सेट बनेगा ऑर्डर पेयर का, वो क्या बन जाएगी? इसकी कार्टिजन प्रोडक्ट बन जाएगी। किसकी? ए क्रॉस बी की। सच दैट क्या हो जाएगा? ए एलिमेंट ए का और बी का एलिमेंट बी का। क्लियर। अब देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2 3, और बी इज इक्वल टू 3 5, तो आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो मैंने क्या कहा है? ए क्रॉस बी में फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का होगा। डेफिनेशन क्या कहती है? ए और बी ऑर्डर्ड पेयर होंगे इसके अंदर, इस सेट के अंदर क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर होंगे सारे। फर्स्ट एलिमेंट ए का, फर्स्ट एलिमेंट ए का उठाइए 2, बी का 3, फिर ए का 2, बी का 5, फिर ए का 3 और बी का 3, फिर ए का 3 और बी का 5। दैट इज ए क्रॉस बी के अंदर ये एक सेट बन गया जिसके अंदर सारे ऑर्डर पेयर हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का है। और कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हैव डिनोटेड बाय दिस ए क्रॉस बी। 2 किस पे गया? 3 पे। 2 किस पे गया? 5 पे। 3 किस पे गया? 3 पे। 3 किस पे गया? 5 पे। तो देखिए 2 एलिमेंट इसमें, 2 एलिमेंट है, 2 2 जा 4, तो इसके में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसके अंदर? 4 होंगे। क्लियर। इस तरह से आप कार्टिजन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। सो नाउ देखिए रिलेशंस, पहले तो हम वैसे जनरली रिलेशन के बारे में बात की, आप डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन आपको बताई भी थी पहले। अब देखिए क्या कहते हैं, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी कोई क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट है। ये ए है सेट है, ये कोई सेट क्या है? बी है। दोनों नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है। टू नॉन एम्प्टी सेट, देन सबसेट ऑफ सेट आर ऑफ ए क्रॉस बी। अब आपको पता चल गया ए क्रॉस बी क्या होता है। ए क्रॉस बी, ए और क्रॉस बी के आपने क्या की क्रॉस, आपके पास नया सेट आ गया ए क्रॉस बी। क्लियर। तो आर क्या है? सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का आर कोई भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, उसमें आर तो उसमें क्या होएगा? इज कॉल्ड रिलेशन ए टू बी। आर कोई भी ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट है, उसका नाम रख दिया इन्होंने आर। तो वो रिलेशन होएगा कहां पर? ए टू बी। ए टू बी में क्या होएगा? रिलेशन होएगा कब? जब आर सबसेट बन जाएगा किसका? ए क्रॉस बी का। तो आर इज, इन्होंने ये भी लिखा साथ में, आर इज रिलेशन ऑन ए टू बी। आर इज रिलेशन ऑन ए टू बी इफ ऑन लीफ। इफ ऑन लीफ मीन क्या हो गया? ए क्रॉस बी है वो आर में क्या करना चाहिए? आर है वो ए क्रॉस बी में क्या करना चाहिए? कंटेंड करना चाहिए। क्लियर। फिर उसके अंदर रिलेशन होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। क्लियर। इफ ओनली इफ आर कंटेन करना चाहिए ए क्रॉस बी के अंदर। क्लियर। अगर ये आर इक्वल हो जाता है तो ये कंडीशन तो भी ये होल्ड करेगी। अब देखिए ऑर्डर पेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। 2x x + y आपको ऑर्डर पेयर दिए हुए इक्वल टू 6 2। अब मैंने क्या कहा था? टू इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर में मैंने बताया था। टू ऑर्डर पेयर्स को हम इक्वल कब बोल सकते हैं? जब फर्स्ट एलिमेंट ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैंने बताया था ए इज इक्वल टू सी हो जाए और बी इज इक्वल टू डी हो जाए। हो जाए तो जय, अगर आपको ये लर्न नहीं रहता भी क्या करना है, तो आपने कुछ नहीं करना, इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाइए। आप पहले लिखिए 2x x प्लस वाई, ऑर्डर पेयर लिखिए 6 2, 6 2। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाइए 2x, इधर से इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाइए 6,
उधर से उसका सेकंड एलिमेंट उठाइए, उसका भी सेकंड उठाइए, यहाँ एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3, और एक्स की वैल्यू 3 यहाँ फिर पुट कर दीजिए, वाई इक्वल टू 2 माइनस 3, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी -1, यहाँ लिख सकते हो पुट एक्स इक्वल टू 3 इन 2, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हो, इसको किसका नाम दे सकते हो 2, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, पुट एक्स इक्वल टू 3 इन 2, तो ये रही इसमें पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, वाई 2 माइनस 3 इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इस तरह से आप ऑर्डर पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर? सो नाउ हम करते हैं क्वेश्चन कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड। ए इज इक्वल टू आपको सेट दिया है 1 3 5, बी आपको सेट दिया है 2 3, तो यू हैव टू प्रूव, आपने शो करना है ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यानी कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो देखिए मैं पहले बता देता हूँ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं होती है, कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो सकती है, परंतु जनरली ज्यादातर मोस्ट ऑफ केसेस में ए क्रॉस बी और डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूव करने के लिए ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, ए के एलिमेंट लेंगे 1 3 5, क्रॉस बी के एलिमेंट लेंगे 2 3। क्लियर? अब देखिए इसका वन फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का 1 1 के साथ 2 लगाया, 1 के साथ क्या लगा 3, उसके बाद 3 3 के साथ 2 लगा और 3 के साथ क्या लगा 3, उसके बाद 5 2 5 3, इक्वेशन इसको क्या नाम दे दिया 1। उसी तरह बी क्रॉस ए, बी ए, तो बी का फर्स्ट एलिमेंट उठाया 2 1 हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, फिर 3 1 3 3 और 3 5, ये इक्वेशन क्या होगी 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से देखिए ये 1 2 है, ये 2 1 है, ये 3 2 है, ये 2 3 है, तो यानी कि ये इक्वल नहीं है, तो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हेंस रूट। इस तरह से आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करके आप इसको प्रूफ कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।